जैन दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं मंडी लेक्चर की, तो जनजाति का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत 60 ऐसे क्वेश्चन जो कि अति संभावित है, जनजाति पे है, मंडी लेक्चर के लिए इसको जरूर देख ले। वीडियो को अंत तक देखेंगे, हमारे फ्री टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर ज्वाइन करें इस प्रकार के क्लासेस के लिए। और आपको कई प्रकार के टेस्ट सीरीज वेरीज सब मिलने वाले हमारे टेलीग्राम में, वहां जरूर पहुंच जाए स्टूडेंट। ठीक है, चालू करते हैं इस वीडियो को। चलिए क्लास को जैसे ही हम शुरू करते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में देखा गया है, रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मुख्य रूप से मनाती है। देखिए, मुख्य रूप से मनाना मतलब उनका मेन त्यौहार है रसनवा पर्व। तो अगर आंसर जानते हैं तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि ऑप्शन कौन सा आपको लगता है ये है। ठीक है, अपने कॉपी में आपने जो भी पेज निकाला होगा टेस्ट के लिए आप लिख लीजिए, फिर मैं इसका आंसर दूंगा, तो आप उसको मैच करेंगे तो आपको कितना पता है ये आपको समझ आ जाएगा। तो सही आंसर इसका होगा बैगा जनजाति। रसनवा पर्व बैगा जनजाति मनाती है। बैगा जनजाति पे एक पूरा वीडियो है हमारे पेड क्लास में, अगर आप वहां पे ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा चीज समझ आएगा कि बैगा जनजाति का पर्व क्या है, मुख्य पेय पदार्थ क्या है, या वो कैसे काम करती है, उसका सांस्कृतिक, उसका लोक सांस्कृतिक सब कुछ क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अगर जिसने बैगा लगाया उसका बैगा आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप अपने कॉपी में सेकंड नंबर डाल लीजिए, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फिर आप वहां पे पहले आंसर लगा लेना, फिर मेरे आंसर से मैच करना कि दक्षिण बस्तर में जनजातीय द्वारा गांव बांधने के पर्व को क्या कहा जाता है। आपने प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ा होगा कि दक्षिण बस्तर में जनजाति द्वारा गांव बांधने के पर्व को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर अब आप अपने कॉपी में लगा लीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है, चार ऑप्शन है वो सही होगा। यही एक सही तरीका है तैयारी करने का। आपने अगर चार में से अगर एक ऑप्शन आपने पिक कर लिया होगा टाइम से, अब इसका आंसर दे देता हूं, है ना, अगर आपने कर लिया होगा तो। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए, पीडमपुर पंडुम, है ना, ये है इसका सही आंसर। अब जो बच्चा ए अपने कॉपी में लगाया होगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उसका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा एग्जाम में भी जाके। ठीक है, अगला भी देखते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट, अपने कॉपी में तीन नंबर लिख लीजिए, अपने नोट्स में तीन नंबर लिख के क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिए वहीं पे। छत्तीसगढ़ के किस आदिवासी प्रजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है। पहला काम तो क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना, छत्तीसगढ़ के किस आदिवासी प्रजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपके पास चार ऑप्शन है, धनवार, कमार, अग्रिया, नक्सिया, है ना, नेक्सिया, सॉरी, है ना। चलिए, चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, अपने कॉपी में आंसर टिक कर लीजिए जो आपको लगता है इसका होगा। ठीक है, फिर मैं इसका आंसर आपको रिवील करता हूं ताकि आप भी अपना टेस्ट हमारे ऑफलाइन के माध्यम से भी दे पाए। ठीक है ना, तो सही आंसर है अग्रिया। ठीक है, अग्रिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो बच्चे सी अपने कॉपी में लगाए थे वो मैच कर लीजिए, अगर वो मैच करता है तो 100% आप तैयारी में बेहतर जा रहे हैं, और जिनका रॉन्ग हो रहा है उसको यहीं पे सही कर लीजिए कि इसका अग्रिया होगा करके। ठीक है, और ये बोल देता हूं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत फायदा होगा ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। अगर आपने लाइव का आधा घंटा इस वीडियो को देते हैं तो आपके एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में। आप भी अपने कॉपी में चार लिख के डैश कर लीजिए, ऐसा है ना, चार लिख के डैश कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्सिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुखता से निवास करते हैं। आपने पढ़ लिया नेक्सिया जनजाति, ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, जसपुर सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा या राजनांदगांव। आपने चार ऑप्शन देख लिया। अब जो बच्चा बिल्कुल स्टेज को प्रॉपरली सीरियसली दे रहा है वो अपने आंसर को पुट करेगा, वो यहाँ पे अपना चौथे आंसर में कुछ भी आपको लगता है ए है, बी है, सी है, डी है, कॉपी में पुट करेगा, फिर मैं आंसर को दूंगा तो वहां से मैच करेगा तो उसका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर को हम रिवील कर देते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर मैं आपको समझा देता हूं, इसका सही आंसर है ए, जसपुर सरगुजा। क्या है, जसपुर सरगुजा इज द करेक्ट आंसर। अब जिन बच्चों का ए ऑप्शन लिखे थे और सही हो गया वो करेक्ट स्टेज में क्लियर हो रहे हैं। ठीक है ना, भले लाइव नहीं चल पा रहा है पर ऑफलाइन को भी हम ऐसे करेंगे कि जो सीरियस बच्चे हैं, जो अपने जॉब को देख रहे हैं कि उनको जॉब लगना चाहिए, वो अच्छे दे पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आप जल्दी से अपने कॉपी में 5 करके डैश कर लीजिए ताकि मैं जब आंसर बताऊं, क्वेश्चन पूछूं तो आप आंसर वहां पे लगा सके। कौरव को अपने पूर्वज मानने वाली, सैनिक सेवा को अपना परंपरागत व्यवसाय समझने वाली जनजाति छत्तीसगढ़ में कौन सी है। आपने क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ लिया है, वापस पढ़ रहा हूं, कौरव को अपने पूर्वज मानने वाली तथा सैनिक सेवा को अपना परंपरागत व्यवसाय समझने वाली जनजाति छत्तीसगढ़ में कौन सी है। आपके पास चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बैगा, कोरवा, कमार, खैरवार। अब इन चार में से आपको जो भी लगता है आपने यहां पे मेंशन कर लीजिए कॉपी में, फिर मैं आंसर इसका क्लियर करता हूं। चलिए जल्दी से मेंशन कीजिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं आपको। ठीक है, तो मेरे को लगता है आपने अब तक सभी ने मेंशन कर लिया होगा, इसका सही आंसर है कमार जनजाति। तो ये ऐसे अगर आप अपना टेस्ट अपने घर पे ही क्लियर करेंगे तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसको आप चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वापस अपने कॉपी में 6 करके डैश कर लीजिए, जब मैं बोलूं आंसर लगाने को तो लगा लेना। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है। वापस पढ़ रहा हूं ताकि आपका दिमाग इसको अच्छे से समझ सके कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है। अब वो कौन सी जनजाति है, आपके पास चार ऑप्शन है, बैगा, कोरवा, कमार या खैरवार। अभी चार ऑप्शन में से अगर आपने कॉपी में 6 के सामने आंसर को मेंशन कर दीजिए और फिर मैं आंसर देता हूं। ठीक है, चलिए मैं आंसर आपको अब दे रहा हूं, आपने अब तक आंसर लगा लिया होगा, इसका सही आंसर है बैगा जनजाति। तो बहुत ही जो बच्चों का आंसर मैच कर रहा है वो तैयारी अपना बेहतर कर रहे हैं और आगे जाने की तैयारी में है। ठीक है, आगे देखेंगे।
चलिए आपका सातवां नंबर क्वेश्चन, वापस आप सात लिख के कॉपी में डैश करके रखेंगे। छत्तीसगढ़ के किस जनजाति का नृत्य भयो उत्पादक होता है? कौन सी जनजाति का नृत्य भयो उत्पादक होता है? वापस आपके पास चार ऑप्शन है, बैगा, कोरवा, कमार या खैरवार। तो आराम से पढ़िए क्योंकि आपने थ्योरी किया होगा घर पे। इसका आंसर क्या है, तो सही आंसर मैं रिलीज कर रहा हूं, चलिए आप भी लगा लीजिए कॉपी में, उसका है कोरवा जनजाति। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूं कोरवा अगर आपने बी लगाया है तो आपका मैच कर गया, आपने इसमें सही आंसर दिया है करके। वेरी गुड, शाबाश। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में से कौन सी सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान रखते हैं? आपने आर्ट करके कॉपी में डैश कर लिया होगा। छत्तीसगढ़ की जनजाति में से कौन सी, कौन सामाजिक दृष्टि से मतलब समाज में उच्च स्थान रखते हैं, मतलब उसको ऊंचा मानते हैं? तो आपने क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ लिया। अब मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूं, बैगा, भुंजिया, कमार की बतरा। अब ये चार ऑप्शन आपके दिमाग में आ रहा है, जो बच्चा तैयारी किया है वो अपने आठ नंबर के सामने मेंशन कर दे आंसर, फिर मैं आंसर देता हूं ताकि उसको समझ आए कि उसका आंसर सही है कि नहीं। तो सही आंसर है इसमें, सही आंसर वापस लगा रहा हूं मैं, सही आंसर है बतरा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर आपका आंसर डी मैच कर गया होगा तो आप बिल्कुल तैयारी बेटर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे हम टॉपिक में आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति की अनेक उपजातियों का नाम प्राणियां व पौधे के ऊपर रखा गया है? वापस आप नाइन करके डैश कर लीजिए। चलिए, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति की अनेक उपजातियों का नाम प्राणियों व पौधों के ऊपर रखा गया है? बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। आपके पास चार ऑप्शन है, निक्सिया, बिंजवार, कमार, खैरवार। अभी चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको लगता है सही है, आपने अगर तैयारी की है तो इसका आंसर है, मैं रिलीव कर रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं इसका आंसर, खैरवार। तो जो बच्चों का डी आपने कॉपी में लगाया होगा, मैच कर गया होगा, इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। और जो बच्चे प्रॉपरली इस वीडियो को पूरा अंत तक देख रहे हैं तो अपनी तैयारी को मच बेटर कर रहे हैं बाकी के मुकाबले। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक में आगे चलते हैं। भुंजिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले तक सीमित है? वापस क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, भुंजिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले तक सीमित है, उसकी सीमा कहां तक है? वापस आपने 10 करके डैश कर लिया होगा। अभी तक चार ऑप्शन दिया है, जिले का नाम दिया है बस्तर, रायगढ़, गरियाबंद, किकोरिया। आपके पास चार ऑप्शन है, आपका समय शुरू होता है अब, आप आंसर लगा लीजिए, फिर मैं आंसर को रिलीव करूंगा, रिलीज करूंगा। चलिए जल्दी से लगा लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो आपने आंसर अब तक लगा लिया होगा, आपका टाइम्स अप हो गया है। इसका सही आंसर है कोरिया, इज द करेक्ट आंसर, कोरिया इज द करेक्ट आंसर। तो जो बच्चों का कोरिया मैच कर गया होगा वो बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं। आगे देखते हैं। चलिए, मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? अब 11 करके आपने कॉपी में डैश कर लीजिए। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, मुरिया नाट, मुआ पाट, दही कांदो की राई। आपके चार ऑप्शन है, आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर लगा लीजिए अपने कॉपी में, जल्दी से आंसर लगा लीजिए, फिर मैं आंसर रिलीज करूंगा। तो मेरे हिसाब से अब तक तो आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है बी, मुआ पाट। मुआपाट मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। लोगों के लिए जो नाट्य किया जाता है उसे लोक नाट्य कहते हैं, याद रखिए चीजों को, है ना। लोक से लोग आते हैं, लोक संस्कृति आती है। ठीक है, आगे चलेंगे। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं तो आपने कॉपी में 12 लिख के डैश कर लिया होगा। बिमला, है ना, बिमला गीत किस जनजाति का मिलन गीत है, है ना। बिलमा गीत किस जनजाति का मिलन गीत है? मिलन गीत मतलब मिलने वाला गीत, जब दो समुदाय या एक ही समुदाय के दो ग्रुप आपस में मिलते हैं उसे मिलन गीत कहते हैं, है ना। तो जवाब दीजिए इसका, ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, गोड़, कमार, बैगा, किमुरिया। अब आपके पास जल्दी से समय बहुत कम है, जल्दी से आप अपने कॉपी में इसका ऑप्शन मेंशन कर दीजिए, फिर मैं आंसर रिलीज करता हूं। तो मेरे हिसाब से अभी तक सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में इसका आंसर लिख लिया होगा और इसका सही आंसर है बैगा, है ना। बिलमा गीत बैगा जनजाति का मिलन गीत है, इस बात को आप नहीं भूल सकते क्योंकि आपके एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आप देखेंगे। चलिए, जैसे हम वीडियो में आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किन जातियों के समग्र उत्थान हेतु विशेष रूप से विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है? वापस पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन की क्वालिटी बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ शासन मतलब सरकार द्वारा किन जनजातियों के समग्र उत्थान, उत्थान मतलब विकास के लिए, विशेष रूप से विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण एक प्रकार की समिति होती है कि इन जनजातियों का विकास किया जाए, इनके शिक्षा के स्तर को और आर्थिक स्तर को ऊपर किया जाए, गठन किया गया है। तो आप अपने कॉपी में 13 करके डैश लगा लीजिए। चार ऑप्शन है, उराव, कवर, बिंजवार, पारदी, कोरकू, भतरा, भुंजिया, पंडो। जल्दी से अपने कॉपी में इसका आंसर लगा लीजिए, फिर मैं इसका आंसर रिलीज करता हूं। तो सही इसका आंसर है डी, भुंजिया एवं पंडो, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो बच्चे डी लगाए होंगे उनका डी मैच कर गया, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, वीडियो में जैसे हम आगे चलते हैं, यह जनजाति मुख्य रूप से सांप पकड़ने के कार्य में सिद्ध हस्त है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं उनको सिद्ध हस्त समझ तो आएगा नहीं। सिद्ध हस्त का मतलब एक प्रकार से ट्रेंड है, सांप पकड़ने में ट्रेंड है, एकदम ट्रेंड है, मतलब ट्रेंड एक प्रकार से ट्रेंड, ऐसे लोग हैं जो सांप को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो आप 14 करके डैश कर लीजिए अपने कॉपी में आंसर लगाने के लिए। चार ऑप्शन में पढ़ रहा हूं, पारधी, कोरखूक, बिंजवार, किसौरा। आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपने अगर पढ़ा होगा तो अब तक आपने अपने कॉपी में आंसर को मेंशन कर दिया होगा। जो सही आंसर क्या है मैं रिलीज कर रहा हूं, वो है सौरा, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे हिसाब से ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छा इंटरेस्टिंग तो लग ही रहा होगा, और लग रहा होगा तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबा के मेरे को मोटिवेट जरूर कीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए बेहतर क्वेश्चन और लेके आऊं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
चलिए वीडियो में आगे जाते हैं। जनजातियों में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, वापस पढ़ रहा हूं ताकि दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठे। जनजातियों में प्रचलित मतलब पॉपुलर स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, वापस अपने कॉपी में 15 करके डैश करके आंसर लगा सकते हो। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, चल कृषि, पेंदा कृषि, अस्थायी कृषि की अन्य। अब आपने चार ऑप्शन तो पढ़ लिया, अब जल्दी से अपने कॉपी में आंसर को मेंशन कर लीजिए ताकि इसका आंसर मैं दे पाऊं। तो इसका सही आंसर है पेंदा कृषि। वेरी गुड, शाबाश, जिनका बी मैच कर गया होगा वो द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, चलिए वीडियो में आगे जाते हैं। आपने 16 करके अपने कॉपी में डैश कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है। निवास क्षेत्र मतलब जहां पे व्यक्ति रहता है, जहां पे जनजातियां निवास करती है, रेसिडेंट। ठीक है, ऑप्शन है बस्तर जिला, ऑप्शन बी दंतेवाड़ा जिला, ऑप्शन सी धमतरी जिला या ऑप्शन डी कोरिया जिला। आपने ऑप्शन पढ़ लिया, आपका समय शुरू होता है अब, अपने कॉपी में आंसर को मेंशन कर दीजिए आप। ठीक है, तो अब तक सबने कर दिया होगा, सही आंसर है इसका बस्तर जिला। तो जो बच्चे ए के साथ गए होंगे इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग ना, चलिए जनजाति के टॉपिक में जैसे हम लोग आगे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बिंजवार जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो आप कॉपी में 17 करके डैश करके आंसर लगा सकते हो। ऑप्शन पढ़ रहा हूं, ए धमतरी, बी कवर्धा, सी बिलासपुर या बलौदाबाजार या डी सरगुजा। तो आपको ऑप्शन हमने आपके स्क्रीन पे दिखा दिया होता है, समय शुरू होता है अब, जल्दी से अपने कॉपी में आंसर को मेंशन कीजिए और हम इसका आंसर को रिलीज करते हैं। तो सही आंसर है इसमें, करेक्ट आंसर है इसमें सी बिलासपुर व बलौदाबाजार। तो जो बच्चों का सी मैच कर गया होगा इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, चलिए अगला आपके पास आ गया 18 कि छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। आप अपने कॉपी में 18 करके डैश करके आंसर लगा सकते हैं। पहले मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूं, ए भतरा, बी दंडामी माड़िया, सी परजा या डी परधान। ठीक है, कौन सी जनजाति गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, आपके पास चार ऑप्शन है। आपके समय शुरू होता है अब, जल्दी से अपने कॉपी में आंसर को लगा लीजिए। बिल्कुल सही, दंडामी माड़िया इज द करेक्ट आंसर। तो जो बच्चे बी लगाए होंगे इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक करते चलिए और मैं ये बोलना चाहूंगा अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हम आपको बेहतर से क्वालिटी क्लासेस देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए वीडियो में जैसे हम आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति का निवास क्षेत्र, तो आप 19 करके इसको डैश कर लीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन है, ए गरियाबंद जिला, बी बिलासपुर जिला, सी बस्तर जिला की बी सरगुजा जिला। आपका समय शुरू होता है अब, अपने कॉपी में आंसर को मेंशन करने के लिए। चलिए जल्दी से मेंशन कर लीजिए, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। चलिए आप लोगों ने मेंशन कर भी लिया होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गरियाबंद जिला। तो जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं वो सही जा रहे हैं अपने रास्तों में, और वीडियो को अंत तक देखेंगे ना आपका दिमाग भी और मैच्योर होगा और आपकी नौकरी कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए अगला वीडियो देखते हैं। कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है, कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है। चार ऑप्शन है, माड़िया, बैगा, हलबा की पहाड़ी कोरवा। जल्दी से आपके समय शुरू होता है अब, मेरे हिसाब से आप लोगों ने, कई बच्चों ने अपने कॉपी में आंसर को मेंशन कर लिया होगा, तो वो है माड़िया जनजाति। अगर आपका ऑप्शन ए आ रहा है तो आप एकदम सही और सटीक तैयारी की ओर अग्रसर है और आपने छत्तीसगढ़ टॉपिक को मजबूती से पढ़ा है। ठीक है, आगे देखेंगे, जैसे हम वीडियो में आगे जाते हैं। कोरखू किस जनजाति का प्रमुख बोली है, इस जनजाति में शिक्षा स्तर काफी अच्छा है और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। आपने 21 करके कॉपी में डैश कर लिया होगा। अब मैं आपको ऑप्शन रिलीज करता हूं, ए बैगा, बी गोड़, सी उराव या डी बिंजवार। अब आपने चार ऑप्शन को अच्छे से देख लिया, अब जल्दी से अपने कॉपी में आंसर को मेंशन कीजिए, फिर मैं आंसर को रिलीज करता हूं। तो अब तक आपने कर भी दिया होगा, तो उसका सही आंसर है उराव जनजाति। बिल्कुल, उराव जनजाति इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखेंगे, चलिए वीडियो में जैसे आगे बढ़ते हैं। खम्ब स्वांग के लिए प्रसिद्ध है, आप अपने कॉपी में 22 लिखकर डैश करके रखिए। खम्ब स्वांग के लिए प्रसिद्ध है, ए प्रधान जनजाति, बी प्रजा जनजाति, सी कोरकू जनजाति की डी अबुज माड़िया जनजाति। तो मेरे हिसाब से आपके सामने चार ऑप्शन आ गए हैं, आपका समय शुरू होता है अब, अपने कॉपी में आंसर को मेंशन कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने कर लिया होगा, सही आंसर है सी कोरकू जनजाति। तो जो बच्चे मैच कर रहे होंगे मेरे साथ इज द करेक्ट, इज द गुड प्रैक्टिस ऑफ द टेस्ट। ठीक है, अगला चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम लोग। तो आप 23 करके डैश करके रखिए। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में हंडिया मदिरा लोकप्रिय है, वापस पढ़ रहा हूँ ना, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में हंडिया मदिरा लोकप्रिय है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए माड़िया, बी कोरवा, सी भतरा या डी हलबा। तो आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से अपने कॉपी में आंसर को मेंशन कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने मेंशन कर भी लिया होगा, सही आंसर है बी कोरवा जनजाति इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, चलिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर 24। आप 24 लिख के डैश करके रखिए कॉपी में। छत्तीसगढ़ में किस जिले में धनवार जनजाति पाई जाती है, जिला में धनवार जनजाति पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। चार ऑप्शन है, रायपुर, बी दुर्ग, सी बिलासपुर की डी कांकेर। आपके पास चार ऑप्शन है, अब जल्दी से अपने कॉपी में इसका आंसर मेंशन कर लीजिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं, आपका समय शुरू होता है अब। तो मेरे हिसाब से आपने सभी ने मेंशन कर लिया होगा, इसका करेक्ट आंसर है बिलासपुर इज द करेक्ट आंसर। तो जो बच्चे सी के साथ गए होंगे अपने कॉपी में, करेक्ट गए हैं, बहुत सही गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुंडा जनजाति किस जिले में पाया जाता है, जल्दी से 25 करके डैश कर लीजिए। मुंडा जनजाति किस जिले में पाया जाता है,
तो चार ऑप्शन है, ए बिलासपुर, बी बस्तर, सी राजनांदगांव, कि डी धमतरी। तो सही आंसर आप लिख लीजिए, मुंडा जनजाति किस जिले में पाया जाता है, अब तक आपने लगा भी लिया होगा। करेक्ट आंसर है बस्तर। तो जो बच्चे बी के साथ गए होंगे वो बहुत सही गए हैं और बहुत ही मच बेटर गए हैं, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को देख रहे हैं वो और पूरा अंत तक देखिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप बहुत ज्यादा मैच्योर होंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मंझवार जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और आपने कॉपी में 26 करके डैश करके लगा लिया होगा। छत्तीसगढ़ में मंझवार जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन ए है केटक कल्याण, बी दल्ली राजरा, है ना, सॉरी कटे कल्याण, बी दल्ली राजरा, सी नारायणपुर, की डी कटघोरा। आपने चार ऑप्शन देखा है, जल्दी से ऑप्शन लगाइए अपने कॉपी में, आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर आपने लगा लिया होगा कटघोरा। तो जो बच्चे डी के साथ गए होंगे वो सही गए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। डॉक्टर देव कहाँ के प्रमुख जनजाति देवता थे? वापस पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर देव कहाँ के प्रमुख जनजाति देवता थे? आपके पास चार ऑप्शन है, ए सरगुजा, बी बस्तर, सी कोरिया या डी कवर्धा। तो ठीक है, जल्दी से आप 27 करके अपने कॉपी में डैश करके लगा लिए होंगे, जल्दी से अपने कॉपी में आंसर को मेंशन कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपने लगा लिया होगा और सही आंसर है इसका बस्तर, इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 28। चलिए वह मुटियारी किस जनजाति का युवा गृह, युवा गृह के लड़के लड़कियों को कहते हैं? जल्दी से आप 28 करके अपने कॉपी में डैश कीजिए और मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ए उराव, बी मुरिया, सी मुइया, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपने कॉपी में आंसर लगा लीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो मेरे हिसाब से आपने लगा भी लिया होगा, इसका आंसर है मुरिया। तो जो बच्चे बी के साथ कंप्लीट कर रहे हैं करेक्ट जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सैला नृत्य किस जनजाति में अधिक प्रिय है? छत्तीसगढ़ में सैला नृत्य किस जनजाति के लिए अधिक प्रिय है? जवाब दीजिए कमेंट करके। आपने अपने कॉपी में 29 करके डैश कर लिया होगा। ऑप्शन ए हलबा, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी उराव या ऑप्शन डी बिरहोर। आपका समय शुरू होता है अब अपने कॉपी में आंसर लगाने के लिए। तो आपने लगा लिया तो उसका सही आंसर है ए हलबा। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं करेक्ट ओके जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, द मुरिया गॉड ऑफ द बस्तर, द मुरिया गॉड ऑफ द बस्तर किताब 1938 में प्रकाशित हुई, इसके लेखक कौन है? तो आप 30 करके अपने कॉपी में डैश करके रखिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए वेरियर एल्विन, ऑप्शन बी ए सी हेडन, ऑप्शन डी डब्ल्यू वी ग्रिएशन, ऑप्शन डी एल के आयर। तो याद रखिए आपके पास चार ऑप्शन, आपका समय शुरू होता है अब अपने कॉपी में आंसर लगाने के लिए। अपने कॉपी में आप आंसर लगा लीजिए, तो आप लगा लिया होगा, इसका ऑप्शन सही आंसर है डब्ल्यू वी ग्रीशियन। तो जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वो करेक्ट जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने अपने टेस्ट सीरीज को मच बेटर लिया है ना। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसना देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में पुरखौती मुक्तांगन क्या है, पुरखौती मुक्तांगन क्या है ना, यह मुक्तांगन है क्या होता है यहाँ कहने छत्तीसगढ़ में पुरखौती मुक्तांगन में, है ना। तो इसका सही आंसर है सी, है ना, बहुआयामी संस्कृति संस्था की स्थापना की गई है। एक्चुअली मैं इसके बारे में और आपको समझाता हूँ क्लियर डिटेल से। देखिए पुरखौती मुक्तांगन का जो ओपनिंग किए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किए थे 7 नवंबर 2000 को, है ना, ये बात याद रखना। ये हमारी कला संस्कृति का एक बहुत अच्छा एक तीर्थस्थल है। और याद रखना इसके जो लोकेशन है वो हमारा राष्ट्रीय मार्ग NH 43 रायपुर अभनपुर मार्ग में ग्राम ऊपर वारा के पास लगभग 200 एकड़ में बनाया गया है ना। यहाँ पे बहुआयामी संस्कृति संस्था की स्थापना की गई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को दिखाता है। तो ये पूछेगा तो याद रखना एक प्रकार की संस्कृति संस्था है, ठीक है। आगे देखेंगे आप, देखेंगे इसमें निम्न में खेल गीत नहीं है, खेल गीत नहीं है कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ये डंडा गीत, डंडा गीत खेल गीत नहीं है। इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ आंसर क्या होगा। तो याद रखिए इसमें जो डंडा नृत्य खेल गीत नहीं है क्योंकि डंडा नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य होता है। और याद रखिए डंडा नृत्य के समूह में मतलब 40 से 50 या 60 लोग एक प्रकार के नृतक होते हैं जो घुटने से ऊपर धोती कुर्ता या जैकेट पहनते हैं, है ना, और बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति को एक डांस के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना डंडा नृत्य एक प्रकार का लोक नृत्य है, इस चीज़ को नहीं भूलना आप, है ना, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए आगे देखेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने द्वारा 2014 में देश के 100 सफल महिलाओं की प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न किन महिलाओं का नॉमिनेशन सम्मिलित किया था? देखिए पिछला क्वेश्चन है पर याद रखिए उपयुक्त तो सभी का नाम लिया गया था नॉमिनेशन में, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन अभी आएगा नहीं पर आपकी जानकारी के लिए मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थिएटर नाटकों में संगीत का संयोजन करने वाले कलाकार को वर्ष 2014 का थिएटर संगीत क्षेत्र में 1 लाख रुपए सम्मान राशि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार 2015 में प्रदान किया गया था। अब किसे किया गया था ये सवाल है, तो ये है अमरदास मानिकपुरी। ये सवाल भी उतना नहीं आता पर आप इसको एक बार जरूर देखिए, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन से संबंधित प्रसिद्ध प्रतिनिधि कहानी नहीं है, नहीं है कौन सा नहीं है इसमें याद रखिए, इसका सही आंसर है सी राधी व बाधी नहीं है, बाकी सभी प्रतिनिधि कहानी के अंतर्गत ही आते हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। आगे देखेंगे आप, चलिए अगला देखेंगे। रायगढ़ रियासत के राजा, है ना, भूपदेव सिंह के प्रसिद्ध दरबारी कलाकार, है ना, थे कौन थे? तो उपरोक्त सभी आएगा ना, सीता राम महाराज जी भी थे, मोहम्मद खान भी थे, बाबा ठाकुरदास भी थे और जमाल खान एवं सादिक हुसैन, ये सभी उनके दरबारी कलाकार थे। जैसे कि अकबर के नवरत्न थे वैसे इसके भी दरबारी कलाकार सभी थे। याद रखिए सारे क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। चलेंगे अगला देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी 2015 में पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए संगीतकार शेखर सेन का संबंध किस घराने से है? वर्तमान में शेखर सेन भारत की संगीत अकेडमी के अध्यक्ष बनाए गए थे, तो वह ग्वालियर, है ना। ये 2015 की बात है, वैसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होता पर आपके नॉलेज पे होना चाहिए, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन, घड़वा कला के कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन वापस से कि घड़वा कला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो याद रखिए यह है आपका बस्तर क्षेत्र, घड़वा कला के लिए प्रसिद्ध है। इस चीज को आपको याद रखना है, ये सवाल मैक्सिमम टाइम देखा गया है, क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, आगे आप देखेंगे, चलिए आगे देखेंगे, हिंदी सिनेमा के किस अभिनेता निर्देशक निर्माता की आत्मकथा का प्रकाशन छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति अनुसंधान संस्था की ओर से किया जा रहा है? ये बहुत पहले की बात है, तभी इसका आंसर लेना किशोर कुमार। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ जाते हैं, पर ऐसे जरूरी क्वेश्चन आएंगे, पर आपको हल्का सा पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे आप, राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए पंथी नीति के माध्यम से अभियान चलाया गया था, तो बताइए कौन सा है, बताइए जवाब देके। तो अमृत बारेल अभियान था, उसको याद रखना, इस अभियान के बारे में पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा के सिनेमा में वर्ष 2015 में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई थी? 2015 का बात है ना, तो वो 50वीं थी, याद रखिए, क्या थी वो? 50वीं थी, इसको याद रखना है, इसको यहाँ पे गलत नहीं करना है। ठीक है, यह देव छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन में महामारी उस गांव की रक्षा करते हैं, यह देव छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जीवन में महामारियों से गांव की रक्षा करते हैं, है ना, तो कौन सा होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर आपका है भवानी चौतेरा या मारूदेव, इसको याद रखना है ना, कोई कोई गांव में मान्यता होती है ऐसे कुछ निकाल के दे देता है। ठीक है, आगे देखेंगे, चलो जो कि छत्तीसगढ़ जनजाति का जो क्वेश्चन चालू होगा वो यहां से होगा, आधा क्वेश्चन लोककला संस्कृति का था, छत्तीसगढ़ जनजाति क्वेश्चन हम यहां चालू करेंगे, है ना। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जनजाति वर्ग से है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पता भी होना चाहिए, इसका सही आंसर है बी, 30.6%, यहां पे गलती आप नहीं करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार से है, बोली तमिल के काफी निकट है, इसमें है ना पायसोतूर नामक अपहरण विवाह प्रचलित है। मैंने अपने थ्योरी क्लासेस में सारे टॉपिक को कवर किया है, तो आपको पता होना चाहिए उस जनजाति का नाम है गोड़ जनजाति। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा इसी टाइप से आएगा, देखिए आपको सभी जनजाति जो आपके ऑप्शन में दिया है ये सब के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा आपको, है ना, डिटेल में वीडियो देखने से वीडियो लंबा हो जाएगा, हमारी थ्योरी क्लासेस अगर आप अटेंड करेंगे तो आप सब सब डिटेल यहां से पा पाएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे आप क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनजाति कभी बंदर कभी कुत्ता शिकार नहीं करती थी बल्कि इसका उपयोग शिकार मदद करने के लिए करती थी, सांभर का शिकार करने में रुचि रखने वाली खालिस्तान जनजाति जीवन भर सिर नहीं मुड़ते हैं और इनके समाज में जंगली पशु पक्षियों का एक जोड़ा पालना अनिवार्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लंबा है पर इंपॉर्टेंट है, तो सही आंसर है आपका पारधी जनजाति है। क्या ये पारधी जनजाति, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न में से किस जनजाति में पशु है ना पशु और जीवन जीव जंतु का नाम गोत्र चिन्ह जैसे जैसे लड़का शेर तिगा तिंगा बंदर तिरछी पक्षी मिंज मछली कजूर लता टाम्पो पक्षी एकवा कछुआ आदि होते हैं? देखिए ये पढ़ने के बाद आपका भी दिमाग समझ नहीं आएगा ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, तो याद रखना मतलब लड़का शेर है ना तिंगा बंदर है ना, तो ये चीजें क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा वापस ना, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना एग्जाम में, याद रखना किस जनजाति में पशु जीव जंतु का नाम गोत्र चिन्ह जैसे जैसे लड़का शेर बोलते हैं, तिंगा को बंदर बोलते हैं, तिरकी को पक्षी बोलते हैं, मिंजी को मछली बोलते हैं, है ना, कुजूर को लता बोलते हैं, तो ये उनका उपनाम दिया जाता है, चिन्हित किया जाता है, तो कौन सी जनजाति में ये होता है, वो है उराव, इस चीज को याद रखना। अब ये सब चीजें आपकी थ्योरी में बहुत कम मिलेगी, पर ये आते हैं क्वेश्चन तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है, आता है वो है गोड़ जनजाति, इस चीज को गलत आप कभी मत करना, ये सारे की थ्योरी क्लासेस हम पेड क्लासेस में ले चुके हैं, तो आप लोगों से बनना चाहिए भाई। आगे देखेंगे, इस जनजाति में बिंदरी नवाखाएं जवार आदि पूर्व होते हैं, है ना, इसमें मंगनी विवाह राजीबाजी विवाह प्रचलित है, इसकी मूल बोली भरनौटी या भरियाटी है। देखो जब आप एग्जाम में बैठते हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, आप वहां पे छोड़ दोगे क्योंकि आपकी थ्योरी में ये चीज नहीं है, बहुत कम में होता है ना, तो इसका सही आंसर आप ले लीजिए, याद कर लीजिए, वो है भारिया जनजाति, है ना, कॉपी में लिख लीजिए इसको, उसके आगे लिख दीजिए भारिया जनजाति, आपको याद रहेगा, ऐसे क्वेश्चन अंदर से रहते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आप, चलिए अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में निम्न में से कौन सा व्यवस्था लागू है? व्यवस्था मतलब संविधान से रिलेटेड है, राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है, तो यह है पांचवी अनुसूची में। पहले क्वेश्चन समझेंगे, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में निम्न में से कौन सी व्यवस्था लागू है? तो पांचवी अनुसूची की व्यवस्था लागू है। अभी पांचवी अनुसूची व्यवस्था क्या होती है वो आपको थ्योरी क्लासेस को परचेस करने में पता चलेगा जब हम देंगे आपको, तो ठीक है, आगे देखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न भारतीय संविधान की अनुसूची पांच के तहत छत्तीसगढ़ की किन पांच जनजातियों को भारत शासन में विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? इंपॉर्टेंट है, ये पांचों के बारे में कई बार पूछा गया, इसको सही आंसर देता हूं मैं, सी, अबुझमाड़िया बैगा बिरहोर कमार व कोरवा, इसको रट डालो और इन जनजातियों के बारे में डिटेल को भी रट डालो, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, आगे देखेंगे, चलो आगे देखेंगे, पहाड़ों के देवता मारंग गुरु तथा ग्राम देवता देशवाली की पूजा करने वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? इस जनजाति समाज में गांव एक सार्वजनिक स्थल है ना वोटला घर होता है जिसे सरना अखरा और सागद भी कहते हैं। देखो ये ऐसे क्वेश्चन जब आते दिमाग और घूम जाता है कि क्या करें, इस जनजाति का नाम है मुंडा, ठीक है, मुंडा जनजाति में ये चीजें होती है। अब ये मेंस की थ्योरी पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है, तो आपका ऑब्जेक्टिव कम से कम याद कर लीजिए, इसका थ्योरी उतना अंदर मत जाइए। ठीक है, चलिए, अबुझमाड़िया किस जनजाति की उपजाति है? सवाल 500 बार पूछा जा चुका है और जवाब सबको पता है, वो है गोंड जनजाति। तो याद रखिए जनजाति बहुत ही स्पेशल सेक्शन है, यहां से क्वेश्चन निकल के आता है, आप इसको अच्छे से कीजिए, ओके। चलिए ये आता है भाई, कौन सा युग्म संगत है, मतलब कौन सा सही जोड़ी है?
तो आपको पता होना चाहिए इनमें से सही जोड़ी कौन सी है। ठीक है, सभी युग्म संगत है, उराव धुमकुरिया भारिया रंगभंग मुरिया या माड़िया घोटुल, याद रखना ये संगत है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ये एक्चुअली में है क्या। और जो बच्चा नहीं जानता वो हमसे कनेक्ट करें, हम उसको थ्योरी के माध्यम से समझा देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। निम्न में से कौन सी जनजाति पंडवानी है ना अला उदल की कथा का बखान करती है, वो कौन सी जनजाति है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अंदर से दिए जाते हैं तो पता होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन को जो बना लेता है वही वही विद्यार्थी आगे निकल जाता है। ठीक है, तो इसका मैं आंसर आपको करा दे रहा हूं। ठीक है, इसका सही आंसर है डी, वो है प्रधान, प्रधान जनजाति है। ठीक है, इसको याद रखना। एक्चुअली में होता क्या, मैं आपको समझा देता हूं कि इस जनजाति समाज में विधवा विवाह को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। इस समाज में मामा बुआ की लड़की के साथ विवाह संबंध अच्छा माना जाता है। इस समाज में चार प्रकार का विवाह, छड़ विवाह, लमसेना, पठौनी और या बगेली या घुसपैठ विवाह होता है। ये पूरा डिटेल है इसका ना, और इसी डिटेल को हम थ्योरी क्लास में जरूर देंगे आगे और अपने क्लास को अपडेट कर करके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस जनजाति का प्रमुख गोत्र पकड़ी लोहा बांदा सेत मांझी करही है ना, डोडका नाग धान अमली सुनवानी सरई भैंसा सूचीताड़, इनके प्रमुख देव बूढ़ा देव ठाकुर देव है ना, घटवालीन भैंसा सूर या बागदेव आदि है। बड़ा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, सभी डेटा पुट कर दिया गया है, तो सही है वो है बिजवार जनजाति। याद रखिए बिजवार जनजाति पढ़ोगे ये सारी डिटेल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे आप। चलिए, किस जनजाति की वाचिक परंपरा में है ना लुंगपा पांडव की कथा गौरी रागनी बजाना गीत चकिया गीत है ना सगड़वत या बग डावा कथा प्रमुख है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अंदर के क्वेश्चन है ये। अब ऐसा कौन सा जनजाति आपको पता होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है बी सहरिया, सहरिया, सहरिया। ठीक है, चलो अगला। मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध गीत, कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में 100 से 200 बार आ चुका है ये, तो पता होना चाहिए वो है रेला, याद करो रट डालो। ठीक है, किस जनजाति के लोग सहानी गुरु गहिरा गुरु के समाज सुधार कार्यक्रम से बहुत अधिक प्रभावित थे, कौन सी जनजाति थी वो, तो वो थी आपका नेगसिया जनजाति थी। इस चीज को आप अच्छे से याद रखना, यहां पर गलती नहीं करना। जनजातियों का पूजा स्थल जहां उनके देवता का स्थान है खालिस्तान कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन, और ये आता भी है, तो सही आंसर है इसका सरना, सरना इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए सभी टॉपिक में